الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتح بيت المقدس हित्तीन की फतह के बाद वो मुबारक मौका जल्द आ गया जिसकी सुल्तान को बेहद आरजू थी, यानी बैतुल मक़दिस की फतह। काजी इब्न शद्दाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुल्तान को बैतुल मक़दिस की ऐसी फिक्र थी और उसके दिल पर ऐसा बार था कि पहाड़ उसके मुतहम्मिल नहीं थे। इसी साल सन हिजरी 583 सन ईस्वी 1187 27 रजब को सुल्तान बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए और पूरे 90 बरस के बाद पहला क़िबला जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब में अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की थी, इस्लाम की तौलियत में आया। ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि सुल्तान के दाखिले की तारीख भी वही थी जिस तारीख को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। काज़ी इब्न शद्दाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये अज़ीमुश्शान फतह थी। इस मुबारक मौका पर अहले इल्म की बहुत बड़ी जमात और अहले हिरफा और अहले तुरुक की कसीर तादाद जमा थी, इसलिए कि लोगों को जब साहिली मकामात की फतह और सुल्तान के इरादे की इत्तला मिली तो मिस्र और शाम से उलमा ने बैतुल मक़दिस का रुख किया और कोई रूशनास और मारूफ आदमी पीछे नहीं रहा। हर तरफ दुआ तहलील और तकबीर का शोर बुलंद था। बैतुल मक़दिस में 90 बरस के बाद जुमा की नमाज हुई। कुब्बे सखरा पर जो सलीब नसब थी वो उतार दी गई। एक अजीब मंजर था और इस्लाम की फतहमंदी और अल्लाह ताला की मदद खुली आंखों नजर आ रही थी। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने मरहूम ने बैतुल मक़दिस के लिए बड़े अहतमाम और बड़े सर्फ से मिंबर बनवाया था कि जब अल्लाह ताला बैतुल मक़दिस वापस दिलाएगा तो ये मिंबर नसब किया जाएगा। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हल्ब से वो मिंबर तलब किया और उसको मस्जिद अक्सा में नसब किया। तारीख दावत व अजीमत सफा 267 जिल्द 1। इस्लामी अखलाक का मुजाहरा। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर जिस आली जरफी दरिया दिली और इस्लामी अखलाक का मुजाहरा किया वो ईसाई मुअर्रिख की जुबान से सुनने के काबिल है। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कभी पहले अपने तई ऐसा आली जर्फ और बाहिम्मत नाइट साबित नहीं किया था जैसा कि इस मौके पर किया। जब यरूशलम मुसलमानों के हवाले किया जा रहा था, उसकी सिपा और मुअज्ज़ज़ अफसरान जिम्मेदार ने जो उसके तहत थे शहर के गली कूचों में इंतजाम कायम रखा। ये सिपाही और अफसर हर किस्म की जुल्म और ज्यादती को रोकते थे और इसका नतीजा था कि कोई वकूआ जिसमें किसी ईसाई को गजन पहुंचा हो पेश न आया। शहर के बाहर जाने के तमाम रास्तों पर सुल्तान का पहरा था और एक नहायत मोतबर अमीर बाबे दाऊद पर मुतायन था कि हर शहर वाले को जो जरे फिदिया अदा कर चुका है बाहर जाने दे। फिर सुल्तान के भाई अल आदिल और बितरीक और बालियान के हजार हजार गुलाम आजाद करने के तस्करा करने के बाद लिखता है, अब सलाहुद्दीन ने अपने अमीरों से कहा कि मेरे भाई ने अपनी तरफ से और बालियान और बितरीक ने अपनी तरफ से खैरात की
अब मैं अपनी तरफ से भी खैरात करता हूँ। और ये कहकर उसने अपनी सिपाह को हुक्म दिया कि शहर के तमाम गली कूचों में मुनादी कर दें कि तमाम बूढ़े आदमी जिनके पास जरे फिदिया अदा करने को नहीं है, आजाद किए जाते हैं कि जहाँ चाहे वो जाए। और ये सब बाबुल बाजर से निकलने शुरू हुए और सूरज निकलने से सूरज डूबने तक उनकी सफ़ें शहर से निकलती रहीं। ये खैर व खैरात थी जो सलाहुद्दीन ने बेशुमार मुफलिसों और गरीबों के साथ की। गर्ज इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस मगलूब व मफतूह शहर पर अपना एहसान व करम किया। जब सुल्तान के इन एहसानात पर गौर करते हैं तो वो वहशियाना हरकतें याद आती हैं जो शुरू के सलीबियों ने सन 1099 में यरूशलम की फतह पर की थी, जब गौर जरे और तनकीर डेरूसलम के कूचा व बाजार में से गुजरे थे तो वहाँ मुर्दे पड़े और जां बलब जख्मी लौटते थे, जबकि बेगुनाह और लाचार मुसलमानों को इन सलीबियों ने सख्त अजियतें देकर मारा था और जिंदा आदमियों को जलाया था। जहां कुद्स की छतों और बुर्जों पर जो मुसलमान पना लेने को चढ़े थे, वहीं इन सलीबियों ने उन्हें अपने तीरों से छेद कर गिराया था। और जहां इनके उनके इस कत्लेआम ने मसीह दुनिया की इज्जत को बट्टा लगाया था, जब उस मुकद्दस शहर को जुल्म बदनामी के रंग में उन्होंने रंगा था, जहां रहम और मोहब्बत का वाज जनाब मसीह ने सुनाया था और फरमाया था कि खैर और बरकत वाले हैं वो लोग जो रहम करते हैं, उन पर खुदा की बरकतें नाजिल रहती हैं। जिस वक्त ये ईसाई उस पाक व मुकद्दस शहर को मुसलमानों का खून करके उसको मज़बह बना रहे थे, उस वक्त वो उन कलाम को भूल गए थे और उन बेरहम ईसाइयों की खुशकिस्मती थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों उन पर रहम व करम हो रहा था। सिफात खुदावंदी में सबसे बढ़कर सिफत रहम है। रहम अदल का ताज और उसका जलाल है। जहां अदल अपने इख्तियार और इस्तेहकाक से किसी को जान से मार सकता है, रहम जान बचा सकता है। अगर सुल्तान सलाहुद्दीन के कामों में सिर्फ यही काम दुनिया को मालूम होता कि उसने किस तरह यरूशलम को बाजियाब किया, तो सिर्फ यही कारनामा इस बात के साबित करने के लिए काफी था कि वो न सिर्फ अपने जमाने का बल्कि तमाम जमानों का सबसे बड़ा आली हौसला इंसान और जलालत और शहामत में एकता और बेमिसल शख्स था। सुल्तान सलाहुद्दीन सफा 202-205। अल्लाह ताला इन मुजाहिदीन मिल्लत के कारनामों को हमें अपने अंदर अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आसान फरमाए, मदद फरमाए। अल्लाह ताला इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कहने वाले के लिए, सुनने वालों के लिए, अक्वाम आलम के लिए उसे हिदायत का, नजात का, अमन का जरिया बनाए, फितनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इखलास के साथ, दिल की अजमत, अकीदत और मोहब्बत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात और पाकीज़ा सीरत के साथ इन मशाइख व सुलहा और मुजाहिदीन मिल्लत की पाकीज़ा तालीमात और सीरत को बार बार पढ़ने की, कहने की, सुनने की, जिंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आसान फरमाए, मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिहरमत सैयदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलु। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين।